दिस वीडियो इज पावर्ड बाय somtips.com, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IoT का जो सर्किट डिज़ाइन है वो इजीली आप बना सकते हैं कंप्यूटर में। इसको यूज़ करने के लिए आपको फ्रीजिंग नाम के एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आर्डिनो यूनो का एक LM35 को सर कनेक्शन का एक डायग्राम बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ईजिली ब्रेडबोर्ड के हिसाब से बनाते हैं। लाइन में भी कलर वायर सब कुछ क्लीन दिख रहा है। और एक चीज़ है, ये एक स्कीमेटिक है कैसे सर्किट डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि आप ड्राइंग करते हैं प्रोजेक्ट में, ये सेम चीज़ है, दोनों चीज़ एक साथ होते हैं और इसके साथ साथ PCB का भी लेआउट डिज़ाइन हो जाते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है फ्रीजिंग। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि फ्रीजिंग को यूज़ करके कैसे आप लोग इजीली डायग्राम बना सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर से पूरा देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे फ्रीजिंग को यूज़ करके बहुत ही अच्छा सा बना सकते हैं डायग्राम, जो आपको बहुत ही काम आएंगे। और अगर आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट चला रहे हैं तो उसमें तो काम आएंगे ही आएंगे, अगर आप IoT रिलेटेड कुछ भी चीज़ अपलोड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आई एम सोमनाथ, यू आर वाचिंग सोम टिप्स। तो पहले आपको इसको डाउनलोड करना होगा, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर देख सकते हैं GitHub में सोर्स कोड भी अवेलेबल है। तो देखिए, फ्रीजिंग करके एक वेबसाइट .org, तो उसमें Windows 32 bit, Windows 64 bit, Mac, Linux सब जगह अवेलेबल है। तो विंडोज़ यूज़ कर रहे तो 32 bit या 64 bit अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिए, .exe फाइल इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ईजी है विंडोज़ में इंस्टॉल करना। और एक चीज़ है, लिनक्स में अगर 32 bit 64 bit, जैसे कि मैं लिनक्स 64 bit अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो इस फाइल को मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका। तो एक tar.bz2 बोल के एक zip फाइल की तरह एक आर्चिव होंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ऐसे फोल्डर मिलेंगे जिसके अंदर ये सब फाइल लेंगे। आपको होम डायरेक्टरी के अंदर कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो रखने के बाद यहाँ पर देखिए, बहुत दो फाइल आएंगे, जो freezing.desktop और freezing। तो अगर आप डेस्कटॉप शॉर्टकट ऐड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, जस्ट फ्रीजिंग को डबल क्लिक कीजिए, ऐसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप में ऐड करना चाहते हो, फ्रीजिंग डॉट डेस्कटॉप फाइल को डेस्कटॉप में कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। और कुछ एक चेंजेस आपको करना होंगे, चेंजेस क्या है आपको बता देती हूँ। तो देखिए, चेंजेस सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो लोकेशन है EXEC, ये पहले क्या था, पहले सिर्फ ये फ्रीजिंग लिखा हुआ था, लेकिन आपको अभी टोटल डायरेक्टरी देना होगा, होम डायरेक्टरी, फुल पाथ और कुछ नहीं। ये आइकॉन भी सेम, फुल पथ आपको देना होंगे, बस ये छोटा सा चेंज करना होंगे। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान वाला चीज़ है। तो कॉपी करके डेस्कटॉप में पेस्ट कर लीजिए, बस हो गया काम। तो मैं अभी डेस्कटॉप से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले डेस्कटॉप के स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात, एक चीज़ दिखा देती हूँ कि यह बात देखिए, डेस्कटॉप में शॉर्टकट आ गया है। अगर आप डेस्कटॉप में कोई आइकॉन नहीं शो करें, जिसके प्रॉपर्टीज में जाके अलाउ एग्जीक्यूट फाइल एज ए प्रोग्राम कर लीजिए। तो डबल क्लिक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है स्केच, और यहाँ पर देखिए पैनल खुल गया है। लेफ्ट राइट, राइट साइड में पार्ट होते हैं और नीचे पार्ट का डिस्क्रिप्शन होते हैं। और ये ब्रेडबोर्ड का व्यू है, ये स्कीमेटिक है, PCB है, सब कुछ है। तो ये बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर में जाके यहाँ पर जो व्यू है, व्यू में जाके जो सेट बैकग्राउंड कलर रिसेट टू डिफॉल्ट करके ओके कर दीजिए, तो वाइट हो जाएंगे। ये ब्रेडबोर्ड का है, तो बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है मैं बोल सकता हूँ। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कीमेटिक में अब जो मैंने सेकेंड वाला दिखाया था, डायग्राम और स्कीमेटिक का और PCB है। तो ब्रेडबोर्ड में अगर आप करेंगे तो बहुत ही यूज़फुल होगा अगर आप बिगिनर से। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है, अगर आप आर्डिनो यूनो यूज़ करते हैं, कोई भी नॉर्मल चीज़ों का सब पार्ट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। प्री डिफाइंड पार्ट तो आते ही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ESP8266 NodeMCU जो बहुत ही फेमस है, लेकिन उसका पार्ट बाई डिफॉल्ट फ्रीजिंग के साथ नहीं आते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। यहाँ पर मैंने GitHub का लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर से आप इस URL पे आ जाएंगे जहाँ पर फ्रीजिंग का सभी पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल है GitHub में ओपन सोर्स से। तो NodeMCU का पार्ट यहाँ से आपको क्लोन और डाउनलोड में ऑप्शन पे जाकर डाउनलोड जिप कर लीजिए। तो डाउनलोड जिप करने के बाद आपको पता है, जिप को एक्सट्रैक्ट करने का, जिप एक्सट्रैक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका कंप्यूटर में जो लिनक्स का मशीन है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ्रीजिंग बोल के सब फाइल फोल्डर आएंगे, उसके अंदर जाके आप बीन फोल्डर में उस एक्सट्रैक्ट करके देखिए, NodeMCU वर्जन 3 फ्रीजिंग मास्टर जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर होंगे उसको जाके सिर्फ पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, सभी जो PNG वाला है सब डिज़ाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, लाइसेंस है, रेडमी है, स्टार्टिंग गाइड है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक
चेक कर लीजिए कि NodeMCU का जो .fzpz ये वाला फाइल एक्सटेंशन बहुत ही एसेंशियल है, इसको बिना आप नहीं कर सकते फ्रीजिंग पे। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ तो हो गया, तो अभी मैं सब क्लोज करके फ्रीजिंग को ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको अब इंपोर्ट कैसे करना है, देखिए मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका लेकिन फिर भी आपके लिए दिखा देती हूँ। राइट क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, पार्ट में जाके यहाँ पर देखिए उस फोल्डर में जाइए और ये जो fzpz वाला फाइल है इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, बस इंपोर्ट हो जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं अभी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। सर्च करने के लिए सर्च बार है, इसमें जाके आप देखिए ESP8266 लिखेंगे तो ESP8266 आ जाएंगे। Don't forget to subscribe some tips and hit the bell icon to get notification of future videos. तो ये ESP8266 का बहुत सारे वेरिएंट है, राइट साइड में आप देख सकते हैं जिसको चाहिए। जैसे कि मैन फर्स्ट वाला ही इसका वेरिएंट है तो इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यहाँ पर आ गए, तो बहुत ही इजीली है यहाँ पर करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजीली आ गया है। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो देखिए जैसे कि मैंने बोला हूँ कि यहाँ पर मैंने LM35 को यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा LM35 करके, तो देखिए इसमें इंटर दबाई और LM35 आ गया। LM35 को आने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको प्लेस कर दीजिए। देखिए तीन लाइन पे कनेक्शन आएंगे तो ग्रीन कलर आ गया है। देखिए इसका कनेक्शन क्या होने वाला है, ये जो VIN है 5 वोल्ट जाएंगे लेफ्ट पे, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके ऐसे ऑफ कर दीजिए, बस हो गया कनेक्ट। अभी इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा अलाइन करना होगा। तो देखिए इसको अलाइन करने के लिए सिर्फ ऐसे ही आपको अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये अलाइन हो गया है, और अगर आप इस पोल को चेंज कर सकते करना चाहते हैं तो ये ज़रूर सब कर सकते हैं। तो इसको ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि भी ना आएंगे इसको रेड कलर देना होगा कि पॉजिटिव है, तो सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए वायर कंट्रोल में जाके आप रेड पर सिलेक्ट कर दीजिए, रेड हो जाएंगे, बहुत ईजी है। लेफ्ट यहाँ पर आपको ग्राउंड पर आना होगा, तो इसको मैं कनेक्ट करके अभी मैं करने जा रहा हूँ ग्राउंड, ऐसे इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो ये ग्राउंड पे आ गया है। तो इसका कलर में जाके ब्लैक दे रहा हूँ तो ब्लैक हो गया, और मिडिल वाला जो है ये डेटा कनेक्शन है तो ये A0 से कनेक्ट होंगे, तो इसको A0 में कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए ये A0 पे कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या करना होगा, अब इसको अलाइन करना होगा। तो देखिए ये A0 पे अलाइन हो गया है बहुत ईजीली। तो इसका कनेक्शन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, वायर कलर में जाके कुछ भी कर दीजिए, ऑरेंज दे दिया मैंने। तो अभी ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है कि कनेक्शन कैसे करना है। इस साइड में USB का जो कनेक्शन है वो जाएंगे 5 वोल्ट के लिए, तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए राइट साइड में ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर आप कुछ भी नोट डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे डाला और इसमें डाला तो यहाँ पर आ गए। तो ऐसे करके ब्रेडबोर्ड का तो टोटल कंप्लीट हो गएंगे। स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो स्कीमेटिक भी बहुत ही इजीली यहाँ पर काम करेंगे। तो ऊपर में स्कीमेटिक में आप देख सकते कि आ गए है NodeMCU, तो इसका आप थोड़ा सा इधर उधर करके अलाइन कर लीजिए। तो यह आप देख सकते कि बहुत ही यूजफुल है LM35 टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ओवरलैप हुआ है ब्लू वाला कनेक्शन, तो ओवरलैप को आप बंद करने के लिए आप ऐसे यूज़ करें, इसको ऐसे रखिए और देखिए बहुत ही यूज़फुल हो गया ना। आप देखिए किसी के साथ किसी का ओवरलैप नहीं हुआ है। अगर कोई सर्किट डिज़ाइन प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो आप ऐसे ही कीजिए, किसी के साथ किसी का ओवरलैप मत कीजिए, और हो सके तो इसको एक मतलब ऐसे कर दीजिए जैसे कि देखने में भी अच्छा लगेंगे कि स्ट्रेट लाइन। तो देखिए पूरा का पूरा अब कैसे अच्छा लग रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। तो अगर आप ये सब चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ कनेक्शन में जैसे कि मान लीजिए V5 को 3VGC कनेक्ट कर लिया है तो तब जाके यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और PCB बोर्ड में आप देख सकते, तो PCB बोर्ड अगर ऑनलाइन चाइना से ऑर्डर कर रहा है तो उसमें जो गड़बड़ फाइल होते उसके लिए ये काम आएंगे। तो ये सब PCB काम मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं ब्रेडबोर्ड और स्कीमेटिक में फोकस कर रहा हूँ। तो हो गया बहुत इजीली, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मैंने पिछले यहाँ पर लिखा है, देखिए तो मैंने लिखा था कि LM35 Arduino by with Arduino by somethings.com। तो बस यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए और यहाँ पर क्लिक करके
एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट एज इमेज के पीएनजी पे सिलेक्ट कीजिए बी। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, ये एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार आप इसको सेव कर लीजिए कंट्रोल एस दबा के। तो इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ कि LM35। तो आपके हिसाब से आप नाम दीजिए, सेव कीजिए, बस हो गया सेव। अब जितना चाहो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लोज करके बाहर आ जाएंगे तो बार फिर से डिज़ाइन आपको बनाना पड़ेंगे। तो ऐसे LM35BB करके इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट करके सेव कर रहा हूँ। तो फाइल एक्सपोर्ट एज इमेज PNG, ओके सेव। कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पर आप सेव करेंगे वहीं पर मिलेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट ये कहाँ आ रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट ये जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ्रीजिंग फोल्डर है उसके अंदर आ रहा है। तो देखिए ये आ गया, फुल इमेज हो गया, देखिए बहुत ही क्लियर आ रहा है। PNG करेंगे तो बहुत ही अच्छा आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग, ये जो वाटरमार्क आ रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि वाटरमार्क को हटाना है तो सिंपल इसको आप क्रॉप कर लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर से, ये नीचे वाला पार्ट क्रॉप कर लीजिए, फ्रीजिंग चला जाएंगे ये आपके ऊपर। और यहाँ पर देखिए ऊपर में U1 है, तो ये क्या है, ये है इसका नाम। तो आपको इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए, बस हो गया। फिर से आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, बस इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कैसे फ्रीजिंग को यूज़ करके बहुत ही यूज़फुल और एट्रैक्टिव सर्किट डिज़ाइन बना सकते हैं आपका डेस्कटॉप से बिना कहीं ड्राइंग किए हुए। तो इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसी IT रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।